नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो सोशो ज्ञान की टैरो कार्ड सीरीज। मैं हूं बलविंदर कौर, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूं और आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड के कार्ड नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है द डेथ। ये एक मीडियम कार्ड है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ही दर्शाता है। ये जो डेथ का कार्ड है, इसका मतलब मौत या डेथ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा चेंज जरूर दिखाता है। यानी कि जो भी पुराना चल रहा है वो टूट के कुछ नया बनेगा, ये कार्ड दिखाता है। अगर आप कोई भी नया काम करने जा रहे हो या शादी के लिए कुछ पूछ रहे हो और ये कार्ड आता है, तो आपका ये काम अभी नहीं होने वाला है, आपको रुक जाना चाहिए। अगर आपको आपका कोई भी पुराना काम चल रहा है, पुराना बिजनेस चल रहा है और ये कार्ड आता है, तो समझ लीजिए कि आपका वो जो बिजनेस है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, या जॉब हो तो भी चली जाएगी ये कार्ड आने के बाद में। और दोस्तों, ये कार्ड हमें बताता है कि आपको जो अपने अंदर का अंधविश्वास है उससे बाहर आना है, कुछ अच्छा सोचना है। और फिलॉसफी जो है एक ऐसा ज्ञान है जो कि हमें डर और अंधविश्वास से बाहर लाती है। और इस कार्ड का हाँ और ना दोनों भी जो है सिचुएशन पे डिपेंड है कि कैसी सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही आपको समझना है इसको। डेथ का कार्ड आए तो बहुत कुछ हो सकता है। ये कार्ड बताता है कि आपका जो टाइम है और आपकी जो भी सिचुएशन है, अब उसमें चेंज आएगा। जो भी आपका बुरा टाइम चल रहा है उसमें काफी सारा एकदम से चेंज आएगा, ठीक है। और अब मैं और बताती हूँ कि ये कार्ड आने पर और क्या क्या हो सकता है। इसमें जो है लाइफ में एकदम चेंज आएगा। और ये कार्ड आने पे एक बच्चे का जन्म हो सकता है। और ये कार्ड आने पे आपके फ्रेंड्स और आपका प्यार दोनों टूट सकते हैं। और एक्सीडेंट हो सकता है और आप सोचोगे भी नहीं, ऐसा भी लॉस हो सकता है ये कार्ड आने पे। यानी कि जो आपके पुराने फ्रेंड्स और आपका प्यार है वो टूटेंगे, यानी कि काफी पुराने हैं, कुछ ना कुछ होगा उसमें जो कोई टूटेगा। और अगर आप कोई भी नए काम के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये कार्ड आए तो आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको रुकना है। ये कार्ड आता है तो पैसा और गाड़ी का लॉस हो सकता है। ये कार्ड आए तो कामयाबी जो है आसानी से नहीं मिलेगी। और भी एक कुछ अलग बात है इसमें। ये कार्ड आए तो अगर आप किसी से नाराज हो, गुस्सा हो, या मन में किसी के लिए कुछ रख के बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपको उसको माफ कर देना चाहिए। और आपको अपनी गलतियों की भी माफी जो है भगवान से मांगनी चाहिए। क्यों? ताकि ये जो आपका बुरा टाइम है वो थोड़ा आराम से और जल्दी से निकल जाए, शांति से निकल जाए, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तो जो उसकी नेगेटिविटी है वो आप में आती है, क्योंकि आप बार बार बुरा सोच रहे हो इसीलिए। और ये कार्ड जो है बुराई पे अच्छाई की जीत है। आज के लिए इतना ही। और आप सबको आज का जो मेरा कार्ड की जो रीडिंग है वो कैसी लगी, प्लीज मुझे मैसेज करें। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए कार्ड के साथ। Thanks for नमस्कार। watching our video. Please hit the subscribe button for getting regular updates.